रणजीत हनुमान मंदिर परिसर में आज जन्म लगाई धारा 144 भड़के हिंदू संगठन के नेता व भक्त बोले देखते हैं कैसे रोकता है प्रशासन। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता रणजीत हनुमान मंदिर पर शनिवार को करेंगे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। अगर शनिवार तक प्रशासन इसको नहीं हटाता तो शनिवार के दिन हम हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता रणजीत हनुमान पे एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इंदौर के जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए श्री रणजीत हनुमान मंदिर में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर व डीजे बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन से हिंदू नेताओं ने मांग की है कि पहले वर्ग विशेष के धर्म स्थल के साउंड सिस्टम पर रोक लगाकर बताएं। जिस प्रकार कलेक्टर महोदय ने ये जो सुंदरकांड पे ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुंदरकांड पे लाउड स्पीकर वगैरह पे जो आपत्ति लगाई है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और समान रूप से इसको देखते हुए सभी जितनी भी इंदौर शहर की मस्जिदें हैं उस पे भी लाउड स्पीकर हटाए जाएं। मंदिर समिति से जुड़े भक्तों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अखंड रामायण का पाठ 24 घंटे चलता है और सुंदरकांड भी रात को होता है, बिना साउंड सिस्टम के आयोजन कैसे होगा? ये आदेश धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये क्यों नहीं सही है? ये सिर्फ हिंदुत्व पे ही दिख रहा है क्या? आगे मस्जिदों पे भी माइक लगे हैं, सब दूर माइक लगे हुए, और स्पेशल रणजीत हनुमान मंदिर पे ये 144 धारा क्यों लागू गई है? इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करते हैं कि इस 144 धारा को वापस हटाई जाए, अन्यथा सब भक्त लोग मिलकर और जितने भी हिंदू युवा मिलकर हम एक बड़ा जनालोन करेंगे। आदेश पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण है, इस तरह से एक पक्षीय कार्रवाई नहीं चलेगी। इंदौर का प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर पर धारा 144 लगाने के कारण अब कोई साउंड बजने के लिए परमिशन लेना पड़ेगी रात्रि 10 बजे और सुबह 6 बजे के बीच में। मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारा पुरातन मंदिर है और इस पुरातन मंदिर में, धार्मिक मंदिर में कभी भी ध्वनि विस्तारक लगाने के लिए अनुमति ली नहीं जाती है। तो जो प्रशासन ने अगर इस प्रकार का कोई आदेश निकाला है तो सरासर गलत है, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है, जन भावनाओं के खिलाफ है, लोगों की धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंची है। तो मैं ये चाहूंगा इस पर पुनर्विचार हो और इस प्रकार के जो आदेश हैं वो सोच समझ के निकालना चाहिए।